ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं नयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमीजनों, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है सत्संग में पधारे। श्रीमद् भागवत गीता का सुनने वाला व्यक्ति जन्म मरण जरा व्याधि से मुक्त होता है। इतना श्रद्धा किसी के हृदय में जागृत हो जाए कि भागवत गीता के सुनने मात्र से और ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह व्यक्ति ही भगवान का प्रेमी बन सकता है, अन्यथा नहीं। ये सत्य है, जो भक्ति हृदय से भागवत गीता को सुनता है और इसके आधार पर जीवन जीने के बाद शरीर त्यागता है तो शत प्रतिशत वो भगवान के धाम को और भगवान को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। गीता स्वयं भगवान की वाणी है, भगवान का निमंत्रण है सभी के लिए, तो भगवान झूठा निमंत्रण क्यों देने लगे आपको? भगवान ने कहा है कि बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे। भगवान ने तो प्रतिज्ञा करके कहा है कि मेरे में मनवाला हो जा अर्जुन, मेरा पूजन कर, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तू मुझे प्राप्त कर लेगा। मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञाबद्ध होकर कहता हूं, सत्यता पूर्वक कहता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा प्रिय शिष्य है, तू मेरा प्रिय सखा है। इतनी क्वालिफिकेशन अर्जुन के अंदर थी, भगवान के अंतरंग सखा भी थे, भगवान के शिष्य भी थे। ऐसे शिष्य जो सतर्क होकर के भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, गीता का सुन रहे हैं, अमृत पी रहे हैं भगवान के मुख से जो झर रहा है, चू रहा है, उस अमृत का पान कर रहे हैं अपने कानों से, अपने हृदय से, तभी तो अर्जुन भगवान के परम शिष्य हैं, परम सखा हैं। प्रति यानी प्रियो असी में, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, सत्य कहता हूं कि तुम मेरे मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे धाम में आ जाएगा। एक चार बात विशेष कहिए, इनको तू कर ले, तेरा मन मेरे में रहे, जो भगवान ने अभी कहा इस सातवें श्लोक में, मैया सक्त मना पार्थ, कि तेरे मन को मुझ में आसक्त कर दे। जैसे गोपियां सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्त हैं धरती पर, उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में आसक्त कर दिया था, वो इतनी अटैच हो गई थी कृष्ण से, उनको सोते जागते कभी सपने भी आते तो कृष्ण के ही आते थे। काम करते, दही बिलोते, सारे घर के काम करते,
भगवान श्री कृष्ण की सदैव याद बनी रहती थी उनके मन में। उनकी यादों में वो भूल जाती थी, काम को भी उल्टा सीधा कर डालती थी। एक बार तो कृष्ण कन्हैया एक गोपी के घर आ गए, अनेकों भगवान की लीलाएं हुई छोटे बालपन में। कृष्ण जी छोटे ही थे लेकिन चलने फिरने लग गए थे। एक दिन एक गोपी के घर में आ गए तो गोपी देख करके पागल हो गई, इतना सुंदर रूप इस बालक का। और वो दूध काढ़ने के लिए बछड़ा छोड़ा हो तो गाय के थुन स्तन में दूध पी रहा है, लेकिन वो अपने दूध निकालने वाले बर्तन को लेकर के और बैल के नीचे बैठ गए दूध निकालने के लिए। इतनी पागल हो जाना। भगवान श्री कृष्ण की बंसी जब बजती थी तो गोपियां सुदबुद भूल बैठती थी। ये होमी वाड़िया जी बहुत सुंदर एक फिल्म बना चुके हैं, बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन आज भी यहाँ न्यूयॉर्क में भी और डीवीडी स्टोरों पर पूछेंगे तो मुझे मिली थी वो डीवीडी, होमी वाड़िया ने बनाई श्री कृष्ण लीला। इसमें देखिए किस तरह से भगवान की मुरली को सुनकर के और गोपियां बेसुध हो जाती थी। नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लेती थी और ऊपर का नीचे, आंखों का काजल गालों पर लगा, शुद्ध नहीं रहती थी। जल्दी जल्दी श्रृंगार करते थे, कृष्ण से मिलने जाना है, आंखों का काजल गाल। कानों का झुमका, पांव की पायल कानों में डाल रही है, कानों का झुमका कुछ और, मतलब सब चीज। इतनी सुंदर फिल्म है वो, आपको यदि मिले तो अवश्य आप देखा देखो। बहुत सुंदरता से भगवान की ऑथेंटिक चीजें दर्शाई उस फिल्म के अंदर। मैं बहुत बार बार धन्यवाद देता हूं होमी वाड़िया जी को, क्योंकि मैंने इतनी सुंदर फिल्म कोई नहीं देखी भगवान की लीलाओं में। कई बार मैंने देखी, पेंसिल्वानिया के जंगलों में मैं रहता था, वहां मैंने कई बार इस फिल्म को देखा, कई बार इस फिल्म को देखा। आज भी मेरे पास फिल्म की भजनों की भी ऑडियो बना के मैंने रखी है, कभी भी सुनता हूं। डीवीडी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी अद्भुत लीलाएं, वो इतनी दिव्य लीलाएं कोई नहीं कर सकता, न राम कर सकता, न परशुराम, ने नरसिंह, ना दूसरे। वो अवतारी पुरुष हैं, उनकी लीला को अवतार कैसे कर पाएंगे। वो सुप्रीम पर्सन है, उनकी हर बात में परम लीलाएं हैं, परम व्यवहार है, दूसरा कैसे कर पाएगा। कृतवान किल कर्मानी सह रामेन केशवा, अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ कपट मानुषा। श्रीमद् भागवत में ये सुखदेव गोस्वामी जी उपदेश करते हैं, कृतवान किल कर्मानी सह रामेन केशवा, कि राम यानी बलराम जी, बलराम जी के साथ में केशव कृष्ण कन्हैया ने ऐसी ऐसी गूढ़ लीलाएं किए मनुष्य के शरीर में आकर, मनुष्य जैसे शरीर में। एक बात का और जरूर आप ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही मनुष्य का ही शरीर है, उस परमेश्वर का शरीर ही मनुष्य का शरीर है। लेकिन मनुष्यों का शरीर भौतिक है, मिट्टी का है, भगवान का शरीर नहीं। भगवान का शरीर तो इटर्नल है, सच्चिदानंद है। जिस वस्तु की आत्मा है, जिस भगवान का अंश आत्मा है, वही आत्मा अजर अमर है। ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह अजर अमर है, नव यौवन है, सदैव नव यौवन रहने वाले। भगवान श्री कृष्ण यहां 125 वर्ष थे, फिर भी वो नव यौवन सदैव 16 वर्ष की अवस्था से ऊपर कभी दिखाई नहीं देते थे। और भगवान को रूप बदलते क्या देर लगती है, वो तो अनेकों रूप बदलने, लेकिन उन्होंने बदलने की कोशिश ही
बदलने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने बाल लीलाएं की अपनी शुद्ध परम शुद्ध भक्तों के लिए, देव की वसुदेव के लिए किया, नंद यशोदा के लिए, फिर धीरे धीरे किशोरावस्था में गोपियों के लिए, उनको आनंद देने के लिए, फिर किशोरावस्था में 16 वर्ष की अवस्था में सुंदर राजकुमारियों के साथ विवाह रचा के द्वारकापुरी बना के रहते थे समुद्र के अंदर। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला बड़ी अद्भुत और परम कल्याणकारी हुई है। जो जो उन लीलाओं को समझता है, सुनता है शुद्ध भक्तों के मुख से या पढ़ता है, उसके नेत्रों में से प्रेम के भाव जागृत हो जाते हैं, या तो अश्रुपात होने लगता है या नेत्र हंसने लगते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं, निर्भय हो जाता है आदमी भक्त भगवान का। आइए तो इस सत्संग में आपका स्वागत है, भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता में 7वां अध्याय, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अभी मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो विज्ञान सहित है, जिसका मुझे पूरा अनुभव है, जानकारी है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके तेरे सारे भ्रम गिर जाएंगे और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रह जाएगी जिस जो तेरे जानने के लिए हो। इस संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा जो जानने के लिए बाकी बच जाए। पूर्ण रूप से मैं समग्र ज्ञान समग्रता में कहूंगा और समग्र पूरी रूप से तू मुझे भी जान जाएगा कि मैं कौन हूं। कितनी अच्छी बात है। गीता में भगवान कह कि भगवान को मालूम है कि अर्जुन क्या और दूसरे क्या, कुछ भ्रम कुछ संदेह उठाएंगे कि अर्जुन संदेह उठाएगा, कहेगा कि कृष्ण कह रहे हैं ये ऐसे ही तो हवा में तीर नहीं मार रहे कि मैं ही सबका पिता हूं, मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, छठे अध्याय तक भगवान ने जो जो कहा है उसमें अर्जुन को कई बार संदेह हो गया। अर्जुन ने कहा कि भगवान ने जब कहा कि ये ज्ञान गीता का ज्ञान सूर्य लोक के राजा विभीष्वानु को दिया सृष्टि के प्रारंभ के पहले त्रेता युग में, मैंने ही दिया था अर्जुन। ये परंपरा से चला आ रहा था, द्वापर के अंत में धरती पर ये नहीं बचा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप सैवायम मया त्यज्यः योगः प्रोक्तः पुरातन। वही प्राचीन योग, ये ध्यान योग ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, ये योग ये मिलने का साधन भागवत गीता, भगवान से मिलने का साधन भागवत गीता, ये प्राचीनतम योग आज पृथ्वी लोक पर द्वापर के अंत में प्राय नष्ट हो गया है। सैवायम मयाति अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन,
वही ज्ञान मैं तुझे आज दोबारा से कहने जा रहा हूं, आज कहने जा रहा हूं, सैवाय मयाते अद्य। हे अर्जुन, तुझसे मैं उसी ज्ञान को कहने जा रहा हूं। योग प्रोक्त पुरातन, क्यों? भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हे तज उत्तम। ये परम रहस्य, उत्तम रहस्य, श्रेष्ठ रहस्य, जिस रहस्य बढ़कर कोई रहस्य नहीं है, वो सारा रहस्य आज मैं अर्जुन तुझसे कहने जा रहा हूं। क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मित्र है। ये गीता का ज्ञान उसी को मिलता है जो भक्त है और मित्र है। भगवान का जो भक्त है और मित्र है, गुरु जी का जो अच्छा शिष्य है वो भक्त है, तो गुरु उसको ये सारा रहस्य समझाते। और मित्र भी है, हितैषी, हित करने वाला, ये नहीं गुरु जी की खोपड़ी पे चढ़ बैठो या थोड़े दिन शिष्य बन जाओ और कोई हाथ लग जाए तो कुछ ले भागो गुरु जी का कपड़े लत्ती जो मिल जाए, या गुरु जी का, गुरु जी के पास क्या ज्ञान है इसके लिए शिष्य बन जाओ और फिर जाके दो चार साल के बाद कहो अरे कुछ नहीं जानते हो, मैंने तो ऐसे ही दुनिया को दिखाने दीक्षा ले ली थी, ना मैं कोई गुरु गुरु नहीं मानता। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। उससे तो वो गुरु अच्छा है, उससे तो वो अच्छा है। नहीं, भक्त शिष्य, शुद्ध शिष्य, अच्छा शिष्य, अच्छा भक्त है। भक्तो असीमी सखा चित, सखा हितैषी, शुभ चाहने वाला, मित्र वत व्यवहार करने वाला। मित्रवत तो व्यवहार तभी करेगा ना जब इतनी निर्मलता होगी, इतनी शुद्धता होगी, वरना कैसे करेगा? लेकिन ये ज्ञान तो तभी मिलेगा जब इतनी शुद्धता हो जाए। गुरु परम रहस्य को तभी देता है जब जाके शिष्य के अंदर सभी प्रकार के गुण विद्यमान हो जाते हैं, वो पात्र बन जाता है। दूध डालने वाला उसी पात्र में दूध डालता है जिस पात्र में दूध फटे नहीं, निर्शुद्ध हो, मजा हुआ हो। ऐसे मजा हुआ शिष्य जब हो जाता है तब जाके गुरु उस परम रहस्य को देता है, जिस रहस्य को पा करके वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। कृतवान किन कर्माणी सह रामीन केशवा अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जैसे शरीर में ही मनुष्य जैसी लीलाएं करते हुए, भगवान का ओरिजिनल फॉर्म, जो असली भगवान का स्वरूप जो है गोप वेश का ही है, ग्वाले का है, वो बड़े सुंदर ग्वाल हैं। उनके सर पर मयूर मुकुट के अंदर मयूर पंख सदैव रहता है, बंसी हाथ में होती है या कमर फेंट में बंसी होती है। गौचारण करते हैं वो अपनी परम धाम में भी, वो गायें भी इटर्नल होती हैं, नव यौवन होती हैं। वहां पर पहुंचने वाले हर भक्त, हर मित्र, भगवान के हर प्रेमी इटर्नल शरीर प्राप्त करता है, सच्चिदानंद विग्रह। लोगों ने तो और वैज्ञानिकों ने और जो भगवान से दूर है या भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करते, उन्होंने तो यहीं तक जाना है कि ये शरीर भौतिक होता है, क्योंकि वो भौतिक को ही पहचान पाए हैं, फिर स्पिरिचुअल के विषय में उनको ज्ञान नहीं है। भौतिक संसार में भौतिक शरीर मिलता है, लेकिन स्पिरिचुअल वैकुंठ में कोई व्यक्ति जाएगा, कोई आत्मा जाएगी, तो उसको तो स्पिरिचुअल शरीर मिलने वाला है, उसी से तो सेवा करेगा भगवान की। रुपये में से 12 नहीं, वैकुंठ जगत है, इटर्नल एबोर्ड्स। रुपये में से 1/4 चारा नहीं, ये भौतिक संसार
अनलिमिटेड यूनिवर्स ब्रह्मांड। तो यहां पर हर एक ब्रह्मांड में भौतिक शरीर है, हर एक धरती पर, लेकिन ये भौतिक संसार है तो भौतिक शरीर जो 24 तत्वों से बनते हैं, लेकिन उस वैकुंठ जगत में तो हर चीज स्पिरिचुअल है, शाश्वत है, तो शाश्वती शरीर मिलता है और उन धामों के निवासी हैं, हर धाम में वैकुंठ में निवासी है, रहने वाले हैं, वो सब स्पिरिचुअल शरीर देहधारी है, ऐसे गीता में इसका वर्णन किया है। फिर भगवान का वैकुंठ धामों में, अनलिमिटेड धामों में परम धाम भगवान श्री कृष्ण का है, शास्त्रों में गोलोक वृंदावन धाम के नाम से जाना गया है। तो वहां पर जो उनके प्रेम भक्त जाते हैं उनको भगवान की सेवा तो करनी है, भगवान की सेवा का ही तो एक आनंद है, उस ग्वाल की सेवा करने का आनंद है, वो परमेश्वर है और उस सेवा करने के लिए वहां का शरीर मिलता है उनको, तभी तो स्पर्श करेंगे भगवान को, तभी तो आलिंगन करेंगे, तभी भगवान की सेवा करेंगे, दूध पिलाएंगे, सुंदर दाल रोटी फुल्की खिलाएंगे भगवान को, अपने हाथ से फूल माला बनाएंगे, सभी स्पिरिचुअल कार्यक्रम होंगे। तो वहां पर रहने वाले जितने भी जो भी हैं वो भी नवयौवन रहते हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं, नवयौवनम च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है वो ही मेरे पास आते हैं। कृतवान किल कर्माणि सहरामीन केशवा अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ कपट मानुषा। कपट वेश में छुप करके लोगों ने तो मनुष्य समझा कि ग्वाला है, ग्वाल वेश तो उनका ओरिजिनल रूप है, लेकिन लोग तो यहां कैसे समझे उस चीज को, ग्वाला ही समझते थे कि नंद बाबा तो राजा हैं ब्रज के, तो राजा के बेटे हैं तो थोड़ा अलंकार पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, बात अलग है, लेकिन शरीर तो उनका। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने भागवत लिखी है, सुखदेव गोस्वामी जी उपदेश कर रहे हैं, बाद में सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी जी ने सौनक ऋषि इत्यादि ऋषि मुनियों को इसका उपदेश किया है। तो कह रहे हैं कि कृतवान किल कर्माणी, भगवान ने ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं की हैं इस धरती पर आकर के, मनुष्यों की जैसी लीलाएं की है, लेकिन सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ लीलाएं की है, जो भी लीला की है भगवान श्री कृष्ण ने। मैं उदाहरण दूंगा थोड़ी थोड़े, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी थी। ब्रह्मा जी ने भी कहा था आपकी तरह कि तो क्या हुआ नारद, इस ब्रह्मांड में तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने 1,1,00,00,000 रानियां रखी हैं, राजा चित्रकेतु के 1,00,00,000 रानियां थी। अगर कोई योगी ने एक नगरी समुद्र में बना करके कोई टापू के ऊपर और 16,000 रानियां रखी तो क्या हो गया, क्यों मेरी भजन ध्यान को भंग कर रहे हो नारद। बोलो नहीं पिताश्री, बात यह नहीं है, मैंने छुपके से देखा है, वो कृष्ण जो द्वारकाधीश बने हुए हैं शाम के वक्त 16,108 रानियों के साथ में 16,108 कृष्ण मन के प्रकट होते हैं, और एक ही समय पर विभिन्न रानियों के साथ में विभिन्न लीला करते हुए, कोई रानी के हाथ से भोजन कर रहे हैं, कोई रानी की बातें कर रहे हैं, कोई रानी का आलिंगन कर रहे हैं, कोई रानी की वेणु गूंथ रहे हैं, वेणी गूंथ रहे हैं, विभिन्न लीला रानियों के साथ कर रहे हैं एट ए टाइम, एक ही समय में विभिन्न मुद्राओं में 16,108 कृष्ण बन करके, ये लीला मैंने देखी, इसलिए मैं आया हूं आपसे कहने। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, बोलो ये नारद ये सत्य है। बोलो बिल्कुल सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ना। ब्रह्मा कहते हैं कि फिर तो ये योगी नहीं होने चाहिए, ये तो नारायण होने चाहिए,
क्योंकि मेरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ योगी अपनी शरीर के और 8 शरीर बना सकता है, इन टोटल 9 शरीर बना सकता है, ग्रेटेस्ट योगी इस ब्रह्मांड का। लेकिन एक हाथ यदि ऊंचा करेगा योगी का तो 9 शरीर के हाथ ऊंचा हो जाएंगे, हाथ नीचा होगा तो 9 शरीरों के हाथ नीचे हो जाएंगे। तुम कह रहे हो एक ही समय में विभिन्न मुद्राओं में 16,108 कृष्ण, तुमने तो मुझे भ्रम में डाल दिया नारद, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आए द्वारकापुरी में, द्वारपाल से बोला द्वारकाधीश से मिलने आया हूं, जाओ कहो ब्रह्मा मिलने आए। द्वारकाधीश को बोला, द्वारकाधीश को बोला द्वारपाल ने कि द्वारकाधीश की जय हो, भगवान आपसे मिलने कोई आया है, दरवाजे पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कौन आया है, क्या नाम पूछा, बोला अपना नाम ब्रह्मा बता। अरे कौन से ब्रह्मा है इतना तो पूछो। द्वारपाल ने जाके बोला कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं, बस इतना पूछना था। ब्रह्मा तमक गए, लाल पीले हो गए कि क्या मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा है, अरे ये कोई पूछने की बात है, और तुम भी द्वारपालों का बुद्धि छोटी होती है, जाके कहो अंदर कि चतुर कुमारों के पिताश्री चतुर्मुखी ब्रह्मा आए, जाओ द्वारकाधीश को बोलो। द्वारपाल ने बोला अब ठीक है, द्वारकाधीश की जय हो, महाराज भगवान आपसे मिलने के लिए चतुर कुमारों के पिताश्री चतुर्मुखी ब्रह्मा जी आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ओह ब्रह्मा जी आए हैं, चतुर्मुखी चतुर कुमारों के पिता, बुला के लाओ, सम्मान सहित अंदर लाओ। ब्रह्मा जी को देख के भगवान खड़े हो गए, अपना आसन देने को तत्पर उत्सुक हुए कि आइए ब्रह्मा जी आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी कब आसन ग्रहण करने वाले, उनको तो चोट लग गई कि कौन से ब्रह्मा आए। आखिर ब्रह्मा जी ने कह दिया कि नहीं, मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक, तब तक तुम मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दोगे। भगवान चुप गए, परमेश्वर है, परम भाव है, परम सत्कार करते हैं अपने अतिथियों का। उन्होंने कहा आज्ञा कीजिए, कौन सा प्रश्न है, तुमने कैसे पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए, क्या मेरे सिवा कोई और भी ब्रह्मा है। भगवान ने कहा कि बस इतनी सी बात पे इतना क्रोध, आसन ग्रहण कीजिए मैं बतला दूंगा। नहीं पहले बतलाइए। भगवान ने कहा कि जानना चाहते हो ब्रह्मा जी, बोला अवश्य। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ हवा में घुमाया तो एक दूसरे ब्रह्मा और आ गए जिनके 10 मुख थे। फिर दूसरे क्षण में एक ब्रह्मा प्रकट हुए जिसके 100 मुख थे, और एक ब्रह्मा प्रकट हुए जिनके 10,000 मुख थे। फिर अगले क्षण और एक ब्रह्मा प्रकट हुए जिनके 1,00,000 मुख थे। फिर भी एक ब्रह्मा प्रकट हुए जिनके 10,00,000 मुख थे, और एक ब्रह्मा तो वहां ऐसे प्रकट हुए जिनके 1,00,00,000 मुख थे।